फ्रेंड्स, मेरी मोदक रेसिपी देखने के लिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो देखिए मैंने कैसे बनाया है, मोदक तैयार किया है बेसन का, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए वीडियो को फटाफट चालू करते हैं बनाना। वीडियो के साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो आज फ्रेंड्स हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं बेसन के मोदक। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी लगभग भर के बेसन ले लिया है, और इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है हम आपको पहले सामान दिखा देते हैं। तो ये मैंने लिया है घी, घी मैंने जितना बेसन लिया है उतना लिया है घी, पूरा नहीं लगेगा, देख लेंगे जितना लगेगा। और यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, और ये मैंने शुगर पाउडर लिया है, देखिए ये शुगर पाउडर है, और यहाँ पे थोड़ा सा ले लिए हैं मिल्क पाउडर। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा बिल्कुल। अब फ्रेंड्स हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस ऑन करके यहाँ पे हम रख देते हैं ये पैन, तो पैन को गर्म होने देते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, इसमें अब हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे मैं घी बहुत ज़्यादा पहले नहीं डालेंगे, कम लगेगा तो फिर बाद में डाल देंगे। अभी हमने आधा डाला हुआ है घी, और जो बेसन लिए हैं इसे अब हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल धीमा रखना है, तेज करके हमें नहीं इसे भूनना है, बिल्कुल धीमे आंच पे हम इसे 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 10 से 15 मिनट हो गया है बेसन को भूनते, और इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस इतना हमें कलर चाहिए। देखिए बिल्कुल ज़्यादा लाल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। और ये देखिए अब कच्चापन इसका निकल गया और कलर भी चेंज हो गया है हल्का सा। तो ये हो गया है, अब इसमें हम डालते हैं दूध। तो जिस कप से मैंने बेसन लिया था कटोरी में उतना ही हम दूध ले लिए हैं, और इस दूध को एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। देखिए तो पूरा डाल देते हैं, और इसे हम जल्दी जल्दी चलाएंगे, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा दूध हम और डाल देंगे, थोड़ा सा दूध का हमें और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा और डाल देंगे। लगभग मान के चलिए डेढ़ कटोरी इसमें दूध लगा है, एक कटोरी बेसन था और डेढ़ कटोरी दूध लगा है। और इसे अब हमें इसी तरह जल्दी जल्दी से गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत धीमा किया था, तो अब इसे थोड़ा सा तेज करते हुए पूरा इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए अब हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं बढ़िया से बिल्कुल मिल गया है फ्रेंड्स। तो गैस को कर लेते हैं ऑफ और इसे निकाल लेंगे प्लेट। तो बेसन को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, और 2 मिनट हो गया है। तो अब इसमें जो ये शुगर पाउडर हम लिए हैं इसमें डालेंगे। इसमें बिल्कुल गरम गरम डालने से क्या होगा कि शुगर जो है पिघलने लगेगा और अच्छा नहीं बनेगा, तो हम पूरा नहीं डालेंगे, इतना काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। तो बस इसे हमें अब अच्छे से एक बार इसे हम मिक्स कर लेते हैं, पूरे को मिला देंगे। ये देखिए इसे भी बहुत गर्म है, इसलिए हाथ से नहीं कर रहे हैं, चम्मच से ही हम इसे कर लेंगे। और इसी के साथ जो ये मिल्क पाउडर लिए हैं इसे भी डाल देते हैं। तो मिल्क पाउडर हमारा यहाँ पे लगभग 3-4 चम्मच होगा, तो इस पर डालकर और इसे हम मिला लेंगे एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने मिला दिया है सबको, अब इसे रख देते हैं, साइड कर देते हैं, बाकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने फिर से पैन रखा है,
और थोड़ा सा घी डालेंगे, ज़्यादा नहीं घी डालना है, बस एक डेढ़ चम्मच घी डालना है। जो मैंने एक कटोरी घी लिया था ना, देखिए इतना घी बच गया है, बहुत ज़्यादा का इस घी नहीं ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप अपने मन हिसाब जो भी आपको पसंद हो उसे आप ले सकती हैं। और अब इसे हम हल्का सा भून लेते हैं, थोड़ा सा इसे बस कर लेंगे, इसका कच्चापन निकाल देंगे। स्टफिंग के लिए ये कर रहे हैं, स्टफिंग में आप जो भी डालना चाहती हैं आप डाल सकती हैं। तो मेरा ड्राई फ्रूट्स भी भून गया, अब इसे गैस को ऑफ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सब तैयारी हो गया है, अब मोदक बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा एक चुटकी जो है फूड कलर ऑरेंज कलर जो है ये दूध में करके और इसमें अब डाल रहे हैं। आप चाहे तो बेसन जिस समय भून रही हैं उस समय भी डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे एक बार हम हाथों से मिला लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हाथों से मिला लेने से अच्छे से मसल देंगे, इसको चम्मच से नहीं मिल पाता है, इसलिए हम इसे हाथों से थोड़ा सा कलर डाले हैं। आप चाहे तो फूड कलर के जगह केसर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, केसर से भी कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हम फूड कलर डाले हैं, चलिए फ्रेंड्स फटाफट बना लेते हैं। इसका कलर आप देख सकती हैं कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स ये। तो बनाना चालू कर, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने साँचा लिया है, तो हम साँचे से मोदक बना के आपको दिखाते हैं। साँचा नहीं है तो उसका भी हम बना के बिना साँचे का भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है जो ये कील लगा है इसे हमें ये निकाल लेना है। तो अब बनाना चालू करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए जो साँचा हम लिए हैं इसमें हमें जो है इसे उठा के एक चम्मच से या हाथ से भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम चम्मच लिए हैं और इसमें भर देंगे, ये देखिए चम्मच से, और इसे हम चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से इसे फैलाएंगे ताकि डिजाइन जो है अच्छे से आएगा। इसे हाथों से दबा दीजिए, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा जो है हम बीच में कर लेते हैं गैप, क्योंकि हम जो ये स्टफिंग भरना है तो इसे हम लेकर थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसे बीच में डाल देते हैं। ये देखिए इसे ऐसे डाल के, और फिर हम थोड़ा सा ये लेंगे बेसन और इसे हम इसके ऊपर से ऐसे लगा देंगे और इसे अच्छे से दबा देते हैं हाथों से, चारों तरफ दबा देंगे अच्छे से। तो अब इसे हम खोल लेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम निकाल लिए और ये मोदक जो है बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम प्लेट में रखते जाएंगे और सभी को ऐसे ही हमें बना लेना है। तो एक बनाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, आसान रहेगा बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि जैसे एक आपने बना लिया फिर हल्का सा इसमें घी लगा दीजिए। घी लगाने से क्या होगा कि ये चिपकेगा नहीं, ये देखिए ऐसे एक बार कर देंगे, बस एक बार ही घी लगाना होगा, फिर इसे हम फिर से ऐसे बंद कर देंगे और फिर उसी तरह बना लेते हैं। तो दूसरा भी बन गया, इसे भी हम आराम से बिल्कुल निकाल लेते हैं, ये देखिए, और इसे हम निकाल लेंगे। निकालते समय थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देना है, तो ये देखिए दूसरा भी बन गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये साँचे से मैंने बनाया है। अब आपको हम बिना साँचे का भी बता देते हैं कि अगर आपके पास साँचा नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना साँचे का भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं, देखिए इसे ऐसे हाथों से गोल गोल कर लेंगे और इसे हम प्लेट पे रख देते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, बिना साँचे का भी बना सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है।
ये यहाँ पे हम रख देंगे। देखिए चारों तरफ से इसे हल्का हल्का फैला देते हैं नीचे से ये, और यहाँ पे ले लेंगे काटा चम्मच ये देखिए, और इसे हम काटे चम्मच से बस इसे ऐसे बीच में ऐसे हाथों पे लेके आपको दिखाते हैं, और इसके हम ऐसे निशान बना देंगे। ये देखिए, तो बिना साचे का भी फ्रेंड्स बन सकता है, कोई भी ये नहीं है कि साचा नहीं है तो आप नहीं बना सकते हो, आप बिना साचे का भी बना के तैयार कर सकती हैं। तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दो तरीके का आपको बना के दिखाया। अगर आपके पास साचे नहीं है तो बिना साचे का भी आप मोदक तैयार कर सकती हैं, बिना टेंशन का कि अरे मेरे पास नहीं है साचा तो हम कैसे बनाएं। अब देखिए दोनों में अंतर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा ये मोदक तैयार हुआ है। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम काजू और बादाम लगा देते हैं, ये आपकी इच्छा करे तो लगाइए, या तो इसे स्किप भी कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लगा देती हूँ, तो सारे मोदक पे हम ऐसे ही कर देते हैं। तो इस दिवाली भाई बनता है तो आप भी बनाइए मोदक, गणेश जी को लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसी के साथ प्यारा प्यारा कमेंट भी कर दीजिएगा, और हाँ मेरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मेरी अच्छी लगी होगी मोदक रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, मोदक बनके तैयार हैं गणेश लक्ष्मी जी को। इस बार आप घर पे बनाइए और अपने हाथों से बना के आप गणेश लक्ष्मी जी को चढ़ाइए। देखिए कितना बढ़िया, और बनाने में भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और जो है खाने में तो टेस्टी होगा ही। और ये बहुत ही कम सामानों में ये मोदक तैयार हुए हैं, तो मैंने आपको बिना साचे का भी बनाकर दिखाया है। अगर मेरी आपको मोदक रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा अपना प्यारा प्यारा कमेंट। और हाँ, वीडियो देखकर फ्रेंड्स आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो फिर प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों की एक लाइक से। अब मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप लोग देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।